Hey, so what's up guys, what's going on, welcome back to my YouTube channel। अभी आप देख रहे होंगे कि सीरीज स्टार्ट हो गई है, एक नई सीरीज, नई जगह, नई स्टेट, नई सिटीज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। पर ब्लॉग चालू हो रहा है ना, जो हम रेस्टोरेंट में बैठे क्योंकि बहुत ही भूख लगा है। आप सबको पता है भाई, उत्तराखंड सीरीज दिखाई थी आपने, उत्तराखंड में खूब मजे किए होंगे। इसी को देख कर एक नई स्टेट मतलब राजस्थान सीरीज स्टार्ट हो गई। अब राजस्थान सीरीज में अब देखते पार्ट कितने बड़े हो गए, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, अब देखते उसको कवर करने में भी कितना टाइम लगेगा। वैसे मैं निकला हूँ ना, रात को ही निकला हूँ घर से, और अभी अंधेरा होने वाला है। रात को रास्ते में मुझे भूख लगाई, देख सकते हो भाई, रात होने वाली है। अभी थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा। यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है, उसको होटल के सामने खड़ी करता हूँ अभी। भाई अभी हम शब्बी ढाबे में आए हुए, अभी खाना आ रहा है। यहाँ पे शुरू शुरू में खीरे ही आते हैं, सीधे से पेट भरेगा अभी थोड़ा। और ये अपना है क्या, बटर चिकन है ना, बटर चिकन। मैक्स बॉय ने दो टाइप का चिकन ऑर्डर किया है, एक तो ये बटर चिकन और ये कौन सा चिकन है, कोरमा, चिकन कोरमा है। अब लंच कराए, रात हो गई यार, अभी फतेहपुर सीकरी में कराए लंच। जो रोड है फतेहपुर सीकरी का रोड है, हमें रात को कहाँ रुकना है अभी देखते हैं, क्योंकि 9-10 बजे तक तो चलेगी कम से कम। ये चिप्स ले लिया, चिप्स खाते हुए जाएंगे। और अभी हम आगरा में ही है, बल्कि ये देख लो, हमें राजस्थान भी नहीं आया, फतेहपुर सीकरी यूपी में आता है, राजस्थान चालू ही नहीं हुआ अभी। बॉय चिप्स खाओ, पकड़ो। तो भाई कार में बैठ गए, अभी समझ में नहीं आ रहा राजस्थान सीरीज चालू हुए या ना हुए, क्योंकि ये तो कह रहा है यहीं से लौट जाओ, अंधेरा हो गया आगरा में ही, अंधेरा हो गया भाई। और राजस्थान सीरीज मतलब हमें कवर करना है वेस्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल इंडिया के वेस्ट कोने में जाना है, बिल्कुल भांगर फोर्ट तो लौटते हुए जाएंगे वो तो। हाँ, इस सीरीज में आपको हॉन्टेड चीजें और दिखेगी भाई, मैं एक चीज दिखाऊंगा, बहुत हॉन्टेड हॉन्टेड चीजें इंडिया की, सबसे हॉन्टेड चीजें हैं। फतेहपुर सीकरी के मशहूर नमक पारे, अब ये सही से खा ले भाई, यही क्या कर रहा है। अब चलते हैं, निकलते हैं, बिल्कुल रात हो गई, अंधेरा हो गया, सर्दियों का टाइम रहता है, देखते हैं कहाँ पहुँचेगी। तो गाइस अभी शाम के 6 ही बज रहे और ऐसा लग रहा है रात के 12 बज रहे। पेट्रोल डलवाने का टाइम, पेट्रोल है यहाँ पे 96.54 लीटर। इसके हाथ में कल मूवी देखी थी टाइगर 3, अपने संभाल के रखना है तुम्हें, इसको फ्रेम करवा के। भाई दिवाली के चक्कर में कितना सजा हुआ है यहाँ पे, 9 के करीब बज रहे और ये हाईवे पे कितना सन्नाटा हुआ पड़ा है, इतना अंधेरा हो रहा है। अभी लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ, देखो ये तो मेरी कार की लाइट चल रही है, अब देखना ये देखो लाइट, इतना अंधेरा हो रहा है। ये बंद करी मैंने, ये लाइट बंद करी, हिरन ना आ जाए। लॉन्ग रोड पे चल रहे हैं, अंधेरा तो आप देख सकते हो, मेरी आँख ही दिख रही है बस अभी। ये जो है ना टॉन्ग रोड, मतलब ये जयपुर रिंग रोड है। अब हम अजमेर जा रहे हैं, और अजमेर क्यों जा रहे हैं आपको बताऊंगा बाद में। भाई टोल पे ना बंदा है ना कोई, पूरा खाली पड़ा है, बस ये खुला हुआ एक। तो गाइस अभी हम किशनगढ़ के पास है, कोई चौधरी ढाबा है, क्योंकि 6 घंटे से लगातार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, सुन हो गया। तो अभी हम थोड़े चाय वाय पीते हैं, थोड़ा इधर ये थोड़े राजस्थानी टाइप के ढाबा यहाँ पे जरूर मिलेंगे आपको। चलो वही, चलो सही है, इसकी बहुत जरूरत है अभी। गाइस अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, थोड़ा चाय पी रहे हैं। अभी आया है किशनगढ़ के पास है, और हम सोच रहे हैं कि अजमेर में रात बिताए, क्योंकि हमें बिल्कुल वेस्ट पार्ट में जाना है, इंडिया के वेस्ट पार्ट में। आपको पता है, मैं हिंट दे रहा हूँ एक, आपको एक शहर पड़ता है बिल्कुल वेस्ट पार्ट में, पाकिस्तान के पास है वो शहर। और हाँ नहीं, तो मैंने हिंट दे दिया भाई। अपनी चाय आ गई, ये है भाई कटिंग चाय, ग्लास में रहती है। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि भाई रात को क्यों निकले, सुबह भी निकल सकते थे अभी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कल मूवी देखने गया था, टाइगर मूवी, और वैसे मेरा प्लान सुबह निकलने का था, पर मेरी नींद नहीं खुली, उसके चक्कर में मुझे थोड़ा 3-4 बजे आगरा से निकलना पड़ा, और अब रात होती जा रही है, तो जहाँ पर मुझे पहुँचना है वो दूर है, बहुत ही दूर है, वो बॉर्डर के एरिया के पास है, पाकिस्तान के पास है बिल्कुल ही, तो उसमें हम जाएंगे। भाई इसने सूप ऑर्डर कर दिया, कौन सा सूप करा है ऑर्डर, हॉट एंड सौर। ये भाई ये चीज़, ये क्या मंगवा लिया तुमने, चिली पनीर मंगवाया इसने। वैसे इसने तो खाना खा लिया था, मुझे लगा पेट भरा होगा, पर यहाँ पे खाना फिर से खा रहा है ये। भूखा है, कितना भूखा है, गर्म भाई बहुत गर्म है। गाइस मस्त डिनर
चाचा डिनर मतलब चाय पी ली चाचा चौधरी ढाबे से। गाड़ी ये खड़ी है, चलते हैं हाईवे पे, देखो कितना सुनसान पड़ा हुआ है हाईवे। तो गाइस अजमेर आ गया है और यहाँ पे देखो कितना सन्नाटा हो रहा है। अजमेर तो पहुँच गए है पर अभी हम रूम देख रहे है, पर रूम्स मिल रहे है और हाउसफुल हो चुके हैं इस साइड। अभी बस वैसे चिंता मत करो, अभी जुगाड़ है अपनी, यहाँ पे मिल जाएगा देखना भाई। पूरा देखो कितनी सड़कें खाली पड़ी है अभी यहाँ पे अजमेर में। वैसे मौसम तो ठंडा हो रहा है, देखा जाए तो ठंडी हवा चल रही। ये अपना अजमेर का रेलवे स्टेशन देखो, दिवाली पे सजा हुआ है यहाँ पे, कितना सजा हुआ है। अभी होटल की बात हुई है, पीछे ही होटल है हमारे, और अभी रूम भी दिखाता हूँ कैसा रूम मिला है। ये वो वाला एरिया है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है बिल्कुल सामने ही, तो दरगाह के पास इसलिए ले लिया। बिल्कुल सुबह सुबह हम दरगाह पे जाएंगे, देखेंगे, आपको दरगाह भी दिखाएंगे, अजमेर शरीफ की ज़ियारत भी करवा देंगे किसी बहाने। हमें मिला है होटल इंडिया, इसमें चलते हैं अभी अंदर। क्या चलो भाई, बहुत नींद आ रही है, लिफ्ट खोलो लिफ्ट खोलो। आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी, कुछ वो आ जाएगा नहीं तो चलो जल्दी बंद करो, बंद कर बंद कर। कहाँ पे है? सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। तो गाइस फाइनली रूम तो मिल गया है और कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से बता रहे हैं। कल है बहुत हाउसफुल है अजमेर, बता रहे फेयर बढ़ रहे, पर आज सही है। आज थोड़ा गुजराती का चक्कर है यहाँ पे, आज गुजराती आए हुए, कल ज्यादा मुस्लिम आ रहे हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो त्योहार है ना दिवाली, अभी रूम दिखाता हूँ आपको चलकर। चलो रूम नंबर कौन सा है? कौन सा? पहले आपको रूम टूर दिखा देता हूँ, रूम टूर कैसा। तो ये है अपना रूम, चलो ये अपना रूम मिला है भाई। तो ये अपना टॉयलेट है, बाकी ये देखो आराम से इसमें सोएंगे आज हम। भाई बहुत नींद आ रही है मुझे, अब मैं बस जल्दी से सोता हूँ और सुबह ही ज़ियारत करवाएगा अजमेर दरगाह की आपको। देखो इसका देखो हाल क्या हो गया, अभी से ही लेट गया ये बस। गाइस अब मैं फाइनली बैठ गया हूँ और अब मैं आपको रूट समझाऊँगा, अपनी प्लानिंग कैसे जाएंगे हम, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है राजस्थान सीरीज चल रही है और अभी हम हैं अजमेर में, देखो ये है अजमेर और कल हमें रूट करना है तय जैसलमेर के लिए। मैं हम जैसलमेर को कवर करेंगे और बाकी ये जो एरिया है ये लोंगे वाला है, ये पाकिस्तान के पास है। देखो ये पाकिस्तान की सिटीज़ है, यहाँ पे कितना पास है बॉर्डर यहाँ से पाकिस्तान का। और बाकी कल जो हमारा रहेगा जोधपुर वाया जोधपुर टू जैसलमेर, तो इसलिए अब सुबह मिलते हैं। चलिए गुड नाइट, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सो के उठे हैं बस देखो, और 7 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ दरगाह, आपको जल्दी सुबह सुबह दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। चलो ये अभी तैयार हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो भाई सुबह सुबह का अजमेर का नज़ारा, ये स्टेशन है देखो, और ये भाई दरगाह वाला रास्ता है, वो देखो पहाड़ियाँ है नज़र आ रही है सामने। ऑटो पकड़ लिया है, ऑटो में बैठे हुए भाई कितनी भीड़ हो रही है अभी सुबह सुबह का टाइम पे, इतनी भीड़ हो रही है भाई। सुबह सुबह आए हमने सोचा था कि खाली पड़ा होगा यहाँ पे, तो वैसे बताते 24 घंटे भीड़ रहती है भाई। क्या हाल हो रहा है भाई, देखो कितनी भीड़ है। फाइनली दरगाह के पास ही आ गए, ये रही दरगाह, कोई यहीं पे जा रहा है, भीड़ में सब पिस जा रहे हैं आज तो। चलो भाई क्या हाल हो गया, बहुत हालत खराब हो गई भाई। चलो भाई चलो एंट्री लेते, चप्पल उतारो, चप्पल उतार लो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो, चलो भाई। इतनी मुश्किल से एंट्री लिए भीड़ में, कहाँ जाना है? सीधे वो है मेन दरगाह, उस साइड सामने दिख रही है, वो पहाड़ी भी दिख रही है, तारागढ़ की है ये। तो वही दरगाह के अंदर का ये कुछ सीन है और यहाँ पे वो देखो देख है, वो बड़ी वाली देख, अभी थोड़ी देर में दिखाएगा आपको। अभी ये है भाई चप्पल रखने की जुगाड़ कर रहे हैं, चप्पल का रखी जाए देखते हैं भाई। जेब कतरों से सावधान रहो, भीड़ हो रही है ना बहुत। कहाँ लगानी है? तू लग ऐसे लगा रखी है बस, कोई उठा के ले जाए दुकान वाला जान पूछ के।
जो मेन दरगाह है उसका गुम्बद वो है, उस साइड चलते हैं। भाई ये मस्जिद है यहाँ की, भाई अभी देखा है वो ज़ियारत करने के लिए लाइन लगी है बहुत। देखते हैं आपको लाइन भी दिखाते हो कितनी बड़ी लाइन लगी है यहाँ पे। भाई सामने देखो झाड़ू कितनी बड़ी, तो यहाँ से लाइन लगी है, ये लाइन है वो वहाँ तक, वो देखो वो दरगाह है मेन वहाँ पे। तो भाई लाइन आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं, अभी घूमूंगा उस साइड भी फिर से। हेलो ये निकालेंगे, ये है तो मेन सीन देखो यहाँ का। तो वो तो अंदर है जाने का रास्ता दरगाह के, और वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो मैं तो लाइन ही लाइन लग रही है सब जगह। तो भाई अभी ये एक मस्जिद एरिया है, यहाँ पे हम मस्जिद में आए हुए हैं। सारी बर्ड्स हैं यहाँ पे, कबूतर लग रहे हैं मुझे, है ना भाई। ये वाला मुझे VIP वाला एरिया लग रहा है, मुझे एरिया दिखाया था ना VIP सा, उसमें हम घुस गए, किसी ने रोका भी नहीं आराम से। और वो लाइन समझ में यार क्यों लगी है वो लाइन। तो भाई अंदर हम जियारत करके आ गए, अंदर इतनी भीड़ थी पर वेंटिलेशन का अंदर सिस्टम अच्छा था। भाई हम अपने बड़े बुजुर्ग के और से हो लिए है, बड़े बुजुर्गों से मिलके, और अब थोड़ा और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यहाँ पे वजू खाने बहुत है आपको, तो एक यहाँ पे भी इतना बढ़िया वजू खाना है। ये फूल की प्लेटें दिख रही है भाई तैरते हुए मुझे। तो अभी हम एक एरिया के पास आ गए, ये वाला एरिया है, एक थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। भाई ये एक तालाब सा है देखो यहाँ पे, ये देखो। कमेंट में जो जानता है इसके बारे में वो मुझे जरूर बताना। ये देखो ये छतरियाँ वैसी थोड़ी डिजाइन है मदीना में होती है, वो उसी टाइप का लगा रखा है यहाँ पे, पर ये बंद नहीं होती, ये परमानेंट फिक्स है बिल्कुल ही। ये देखो भाई ये सब मिलता है यहाँ पर, बैठे रहते सब अब यहाँ पे। चलो बोई फास्ट, लाइन का अंदाजा दिखा सकता हूँ मैं आपको कितनी बड़ी लाइन है। गेट का नाम है संदली गेट भाई, वो देग है देखो, एक देग वो है और एक देग ये है उस साइड। तो देग में भी मुझे लग रहा है बना हुआ है यहाँ पे, लंगर में अभी बना हुआ है कुछ, दिखाता हूँ क्या बना हुआ है। चलो सीढ़ियाँ देखो कितनी ऊंचाई पे बनी है ये, अच्छा अभी पैसे डले हुए इसमें पर। लंगर यहाँ से निकल चुका है, बट रहा है अब, यहाँ पे तैयारी हो रही है नेक्स्ट लंगर की। देखो वो मीठे में स्वीट होती है, ये हलवा टाइप होता है देखो। हम पन्नी लेते हैं वहाँ से, खरीदते हैं, पैसों की पन्नी है वहाँ पे। कितने की है? तो आ जाओ, 5 रुपए की पन्नी पड़ी है ये एक, और अभी चलते हैं ऊपर। हाँ भाई एक और ले ले, तो यहाँ से देखो कितना सारा लंगर बट रहा है। अभी हमने खूब सारा यहाँ से ले लिया है, अब चलते हैं। सफर दूर का है ना, तो सफर में यही खाएंगे। चप्पल सही है, सलामत है, कोई दिक्कत नहीं, सलामत है चप्पल सब। चलो ये झूमर देखो कितना बड़ा झूमर है यहाँ पे। इसी के साथ हमारी राजस्थान सीरीज चालू हो गई, अजमेर दरगाह से पहली लोकेशन पे आए हम, अजमेर की दरगाह अजमेर शरीफ। ये रहा मेन गेट यहाँ का दरगाह का, सामने से दिखा दिया, पहले हम साइड से आए थे ना, अभी तो अभी सामने की तरफ दिखा रहा हूँ। इसकी हालत देखो कैसी हो गई। यहाँ की स्पेशल मिठाई ये होती है, हलवा मिलता है, तो ये ले रहे थोड़ा सा अभी हम। पुलिस आ गई भागो, सब भाग रहे हैं यहाँ से, सब खाली कर रहे हैं देखो कैसे भाग रहे हैं सब। इधर खड़े हो जाओ, साइड में हो जाओ, पुलिस को निकलने दो। सब भाग रहे हैं देखो कैसे। गाइस अब हम जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमें निकलना है जैसलमेर, बिल्कुल रेगिस्तान का रास्ता है, अभी जल्दी से पहुंचते हैं। हमने सोचा था कि सुबह ही सुबह जियारत कर लेते हैं, पर आपको दिखा दिया कितनी लाइन लगी है, और बाई चांस लक है देखो कैसे हम घुस गए आराम से। ये भाई ये है अजमेर गेट, मेरी गेट है ये। वहाँ पे लाइन में 2-2 घंटे से खड़े हुए थे लोग, 2 घंटे से, पर भाई गया पैसे दे दो, और हमारा कितना मस्त हो गया, VIP वाले में घुस गया स्टेशन पे आ गए सीधा। अब होटल चलते हैं जल्दी से, जैसलमेर के लिए निकलते हैं क्योंकि मजे आ गए आज तो दरगाह जाकर। और ये बगल में है इसके अजमेर स्टेशन, देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेन आती है, लोग यहीं पे ज़ियारत करने आते हैं। भाई ये क्लॉक टावर है देखो यहाँ का अजमेर का। गाइस ये देखो अभी पेट्रोल पंप पे पहुंचे, कितनी सी पॉइंट बचे, और वैसे पेट्रोल के प्राइस भाई यहाँ पे इतना महंगा, 108 रुपए का। इससे अच्छे प्राइस तो अपने यूपी में ही है भाई, यूपी में ही 96 का ही है।
और ये खा रहा है अभी अमरूद राजस्थानी। भाई अब देख लो यार, यहाँ पे तो राजस्थान में इतना महंगा पेट्रोल है, इससे बड़े तो अपना यूपी है, सीधा 108 राजस्थान में तो। हाँ वैसे तो हमने पावर वाला भी डाल आता है 160 रुपए का। अभी हम जा रहे हैं जोधपुर के रास्ते, क्योंकि जोधपुर ही यहाँ से थोड़ा पास है जैसलमेर के बाद जाएंगे। अभी ये बैठ गया है मेरे साथ आगे को पैसेंजर एज अ को ड्राइवर, ठीक है। अभी वो हमें पहाड़ क्रॉस करना है, उसी पहाड़ के पीछे है जोधपुर। गाइस ये होते हैं मस्त राजस्थानी अमरूद, देखो खा रहा हूँ मैं। और नींबू नहीं है, अमरूद है ये। गाइस रास्ता देखो कितना मस्त है, बीच पहाड़ों में से काटा गया रास्ता। अभी हम बनेवारी पहुंचे हैं, पहाड़ों को बिल्कुल काटा गया है बीच सड़क के लिए, पहाड़ कटे गए हैं। मैं अभी रुका हुआ हूँ मस्त व्यू देखने के लिए, ये दो पहाड़ के बीच से एक सड़क गई है, देखो जोधपुर का ही रास्ता ही है। जोधपुर की खासियत बता दूं, जोधपुर है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जोधपुर का किला है बहुत बढ़िया सुंदर। देखो यहाँ पे राजस्थानी कपड़े आंटी पहनती है, वो खड़ी हुई है, देखो वो राजस्थानी लोग आ रहा है बिल्कुल ही। देखो भाई एक वैली है, देखो पूरी पहाड़ ही पहाड़ देख रहे हैं साहब। आपको पहाड़िया दिखाता हूँ यहाँ की राजस्थान की, देखो बुशेज थॉर्न बुशेज बिल्कुल कटीले वाले पेड़ है यहाँ पे, ये देखो ये भी कटीले वाले पेड़ है और वो पहाड़ है, मैं देखो इस पे चढ़ गया हूँ। सामने रेलवे स्टेशन है भाई, रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे लाइन भी जा रही है पहाड़ों के बीच में से, देखो ये रेलवे लाइन जा रही है पहाड़ों के बीच बीच में होकर। ये कौन है गाइस, ज़ॉम्बी लग रहा है मुझे तो, ये ज़ॉम्बी जैसे ही चल रहा है। अबे 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 कहाँ जा रहा है ये, देखते कैसे पिएगा। अब मैं आती हूँ, राम राम कर रहा है मशीन को पहले। अच्छा ऐसे पिएगा, अरे भाई नाच रहा है तो डांस कर रहा है, झुकेगा कैसे पिएगा कैसे। अभी हम आए हुए गुरुजी दही बड़े पे, यहाँ पे लाल मिर्च बहुत खाते हैं देखो राजस्थान में, तो भाई अपने दही बड़े देखो, ये मसालेदार दही बड़े होते हैं राजस्थान के स्पेशल। तो गाइस ये तो खत्म हो गया, एक और ऑर्डर करा है भाई मैं तो। ये तुमने दिखाइयो कौन सा भाई, ये चिप्स लिया है बटर गार्लिक इसने। बाकी गाड़ी का हाल कुछ ये हो चुका है, वैसे साफ है, मैंने कल ही धोई थी भाई। इतनी सारी मिठाइयाँ और लेनी पड़ी, इतनी सारी मिठाइयाँ ली है, अब इसको रास्ते भर खाते जाएंगे जोधपुर स्वीट्स। गाइस ये जो अजमेर से भी लिया था, तबर्रुक दिखा रहा हूँ मैं थोड़ा सा भाई, ये है जोधपुर के लड्डू होते हैं जोधपुर वाले भाई, ये लड्डू भी बहुत टेस्टी है, वाइट कलर का लड्डू है जोधपुर का। ऐसे बता दू ये चूहा नहीं है, ये है मिर्च, पकड़ो खाओ खा लो, मिर्च है भाई तो नहीं खाएगा। देखो भाई अंदर इसकी ये निकला है, आलू की स्टफिंग रहती है और ये मिर्च का पकौड़ा है। बाकी खा रहा है मैक्स बॉय यहाँ की कचौड़ी जोधपुर की, इसकी स्टफिंग दिखाइयो भाई, स्टफिंग और ये प्याज व्याज सब बढ़िया है, वैसे मिर्च तो होनी नहीं चाहिए इसमें। ये तो सॉस है चटनी है, बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, ठीक ही है बिल्कुल भी मिर्च। राजस्थानी कचौड़ी अच्छी है। अच्छा गाइस कुछ भी कहो, जोधपुर का खाना बढ़िया है बिल्कुल ही, मज़े आ गए खा के सब चीज़ें, और यहाँ की कचौड़ी वचौड़ी मिठाई ये सब बढ़िया है। देखो दही बड़े हमने इससे खाए थे और यहाँ से कचौड़ी वचौड़ी खाई थी, बिल्कुल ही हाईवे पे बना हुआ है ये, अपनी गाड़ी खड़ी है, अब यहाँ से जोधपुर निकलेगा, ये रास्ता जोधपुर क्या हुआ है। जोधपुर का रास्ता जैसलमेर तो 400 है पर जोधपुर है 122 किलोमीटर। देखो भाई राजस्थानी कटरिया जा रहा है बकरिया लेके, इस सड़कों पे तो बस पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं बस और कुछ नहीं। राजस्थान की सड़कों पे सन्नाटा बहुत दिखेगा, देखो कितना सन्नाटा हो रहा है। भाई इतनी लंबी ड्राइव हो गई, कम से कम 4-5 घंटा अजमेर से ड्राइव हो गई। अब मैं थोड़ा टहल रहा हूँ, खेत दिखा रहा हूँ, आवाज़ आई कुत्ते की,
इतना सन्नाटा हो रहा है। हाँ देखो आवाज़ आ रही होगी। खेत है ये राजस्थान के खेत है और एक कुत्ता भौंक रहा है पता नहीं कहाँ सुनसानों में। जोधपुर है उजरी, जोधपुर पहुँच के सिखाते हैं आपको ब्लू सिटी दिखाएंगे। गाइस मैं मैप में इतनी बड़ी नदी दिखा रही पर है ही नहीं, कुछ जंगल है, सूखी नदी है बिल्कुल ही, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, नदी का पानी वानी सब सूखा पड़ा है। जोधपुर के पास ही हम थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं राजस्थानी पानी पी रहा हूँ भाई। वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब यही खा रहे हैं, देखो उधर भी सब यही खा रहे हैं बैठकर। भैया भाई रबड़ी भी ली है देखो कितनी अच्छी है। तो भाई वो रहा जोधपुर का किला, अभी उस पर चढ़ के बताता हूँ मैं आपको। गई भाई किले की पार्किंग में आ गए, किले की पार्किंग किला वो है साइड और वो ब्लू सिटी दिख रही है यहाँ पे मुझे, और आगे लगा देंगे जितना दिख रहा हो आगे है जगह आगे। ये देखो भाई किला देखो कितना बड़ा है, कितनी ऊंचाई पे किला बना है, इधर खाली जगह है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग बहुत है यहाँ पे। गाइस गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में, ₹50 लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग की स्पेस बहुत है। किले ये देखो किला मेरे पीछे दिख रहा होगा, अभी आपको ब्लू सिटी दिखाता हूँ जो जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से जानी जाती है। देखो गाइस वो बने हुए हैं कितने सारे ब्लू ब्लू हाउसेस, तो यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं सारे घरों का पेंट ब्लू रहता है, और खास बात ये है मेरे आईफोन का भी कलर ब्लू ही है। देखो भाई ये है पूरा पार्किंग स्पेस यहाँ का, बाकी ये है एंट्रेंस देखो फोर्ट की, तो यहाँ से टिकट ली जाती है, टिकट हाउस है देखो। देखो ये है यहाँ का मेन गेट किले का। तो भाई ये पड़ी मुझे ₹200 की एक टिकट, टोटल ₹800 की चार लोगों के। तो भाई यहाँ से हम थोड़ा पानी ले रहे हैं अभी, तो शायद ये है अब मेन एंट्री, ये है देखो किले के लिए मेन एंट्री। दरवाजा देखो कितना पुराना है इस साइड। किले की एक खास बात बताता हूँ कि यहाँ पे हुई थी मूवी की शूट बैटमैन डार्क नाइट राइजेस मूवी शूट हुई थी, ब्रूस वेन यहाँ पे बंद था, बैटमैन का ब्रूस वेन दिखाते ना इसी किले में बंद रहता है, वो पैलेस है बैटमैन का। आपने डार्क नाइट राइजेस मूवी देखी हो तो आप किला समझ सकते हो कि कुछ कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। अभी शायद हम ऊपर तक भी जाएंगे देखना उस साइड। हाँ इधर खड़ा हुआ इधर दिखाता है, पूरा जोधपुर सिटी दिख रहा है, सारे घर ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े ब्लू है देखो वहाँ पे। मुझे ये चीज दिख रही है मुझे कुआं होता होगा, ये जो पहिया दिख रहा है ना इसके मदद से पानी निकलता होगा। ये देखो गाइस कितना पतला सा रास्ता गया हुआ है यहाँ से, तो अभी बिल्कुल हम नीचे से आए हैं, ये देखो अब ऊपर साइड जा रहे हैं। फोर्ट के अंदर पूरा एक शहर सा बसा हुआ है देखो, कितना पूरा बिल्कुल बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है फोर्ट के अंदर, और कितनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखो भाई। फोर्ट का नाम है मेहरगढ़ फोर्ट, जोधपुर का बहुत बड़ा फोर्ट है भाई। कैफे भी बना रखा है इसके अंदर देखो, कैसे लगा फोर्ट? बैटमैन बैटमैन की याद आ गई, मूवी देख ली तूने पर। ये अभी म्यूजियम का रास्ता है, म्यूजियम चलते हैं। तो भाई ये म्यूजियम का रास्ता है देखो, चलते हैं इसके अंदर। हाथी पे बैठने वाला है ये भी हाथी पे बैठने का है, सब हाथी पे बैठने के है यहाँ पे। जब राजा लड़ाई करने जाता था या मिलने जाता था तो हाथी पे बैठकर जो बैठने की सीट होती है ये वो होती है, कितनी डिजाइन वाली है सब। अभी हम चलते हैं पालकी खाना के अंदर, चलो बोई। कुछ इस टाइप से उठाया जाता था, ये इंसानों के थ्रू उठाया जाता था, ये फोटोज देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कुछ इस टाइप का था, ये फोटोज आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का हुआ करता था। से एक तो ये है देखो, ये कितनी बॉक्स जैसा ट्रेन का डिब्बा छोटा सा, ये वाली तो गाइस मुझे सेंटा जैसी लग रही है, ऐसे स्लेज आती थी वो। बहुत गर्मी है जोधपुर में, हमें तो लग रहा था मौसम सही होगा पर राजस्थान का जो सबसे गर्म वाला लग रहा है हमें जोधपुर लग रहा है। देखो ये शाही राजपूत का शाही हुक्का ये हुआ करता था, यहाँ पे बैठकर गद्दी दे रखी है देखो, ये भाई तस्वीर स्टूडियो है। तो भाई ये हुआ करती थी संगर चौकी, चौकी बैठा करते थे शाही लोग यहाँ पे आकर। भाई सीट देखो कितनी छोटी सी लग रही है, वैसे फिट हो जाता है इसमें आदमी, एक बंदा आराम से फिट हो जाएगा। और भाई ये देखो कबूतर कितने सारे बैठे हुए हैं इधर। तो भाई ये बना हुआ है दौलत खाना,
भाई एक भारी ही कितना होगा, कितने लोग उठाते होंगे इसको मिलकर। देखो ये कैनन रखी है, उस टाइम की यूज हुआ करती थी। बच्चा आ गया इसके अंदर तो वो जा रहे हैं भगाने उसको। तो भाई ये है मुगल एम्परर अकबर की तलवार। देखो अभी आपको कितनी बड़ी गन दिखाता हूँ, वहां से लेके साइड तक है। देखो कितनी बड़ी, अब कोई इसको आदमी पकड़ता होगा कितना लंबा लगता होगा भाई ये। देखो भाई ये है वाइन फ्लास्क, ये इसमें वाइन का था, इसमें मतलब वाइन सर्व की जाती थी, इसमें वाइन सर्व की जाती थी और इसको चुस्की भी कहते हैं। देखो और ये हुक्का चिल्लम ये सब वही एरिया है, देखो खा सकते हैं। चिल्लम है वो, चुस्की है। देखो इसके हाथ में से निकलता था ये, वाइन के हाथ में से निकलती थी भाई। देखो ये श्रृंगार पेटी हुआ करती थी। ये इसमें एक है कंघी रखी हुई है, कंघी है। और ये क्या चीज रखा है पर, जुए वाली कंगी नहीं नहीं चलो। देखो कितना बड़ा हुक्का हुआ करता है। मोनाली दे रखी है उसकी, और ये सुराही थी। देखो राय का बाग स्टेशन है, ट्रेन मॉडल दे रखा है ये। देखो एक डिब्बे वाली ट्रेन यूज हुआ करती थी पहले शायद, और ये कार हुआ करती थी। ये मतलब फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ जोधपुर, राय का बाग। भाई ये देखो चोगा कितना बड़ा है, किस आदमी का होगा, इसकी पर्सनैलिटी देखो क्या होगी। मतलब इतना लंबा दिख रहा है, उस टाइम में आदमी भी बहुत हट्टे कट्टे हुआ करते थे। भाई देखो मुगल्स कॉइन्स दे रखे हैं, मुगल्स कॉइन्स, मरवर कॉइन्स, प्रिंस लिस्टेड कॉइन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स भी वहाँ पे है। भाई उस टाइम के ताले और चाबी कितना बड़ा है। देखो ये, देखो ये लॉक है, ये कुंडा दे रखा है। देखो ऐसे लग जाते थे ये, पैड लॉक दे रखा है वो। ताला तो भाई कोई नहीं तोड़ सकता इसको। ये गन देखो कितनी लंबी है, मतलब इंसान से भी लंबी गन है ये। देखो इस साइड ये कैनन दे रखे ये। अब मैं नाम नहीं ले सकता इसका, वरना 40 दिन तक मेरी जुबान नापाक रहेगी। ये देखो जंगली, बस जंगली के आगे आप खुद ही सुन लो, तो कहना नहीं उसी की। देखो ऐसे देखो एक खुफिया दरवाजा दे रखा है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक म्यूजियम और है शायद। अभी हम मारवाड़ एरिया में, देखो ये राजस्थान के मारवाड़ एरिया में आते हैं। तो भाई अब ये आएगा फूल महल, तख्त विलास, शीश महल भी है। देखो ऊपर जाके कैसे जा रहे सब ऊपर, चलो भाई ऊपर चलते हैं, कैसे गए सब। हाँ मिस्टर बीन वाली याद आ गई, मिस्टर बीन आता था, मिस्टर बीन में वो अंकल आंटी फंस जाते थे उसको लेके। ये देखो ये कारपेट दे रखा है पुराना टाइम का, और ये देखो ये हैंगिंग है यहाँ पे, उस टाइम की ही वॉल हैंगिंग है, और ये कारपेट दे रखा है। ये देखो भाई ये है शीश महल, पूरा कांचों से लगा हुआ है, कांच ही कांच दिख रहे इधर। मैं इसमें रिफ्लेक्शन मार रहा हूँ, देखो कैसे। तो गाइस ऐसा महल नहीं लग रहा जैसे रेजिडेंट ईवल में, ये रेजिडेंट ईवल वाले महल लग रहा है, गेम में दिखाया था वैसे। दरवाजे देखो कैसे, ये दरवाजे मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये देखो बुलबुलैया टाइप उस साइड आ गए। ये है कितना ब्यूटीफुल भाई, ये है बॉयज, ये है फूल महल। देखो सामने शाही राजा बैठा करते थे फूल महल में, और ये झंडा पता नहीं किसका लगा ये। बाकी अगर आप गौर करोगे ना, यहाँ पे सारे राजाओं की फोटो लगी है। देखो भाई ये कांच, देखो कांच का डिजाइन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल कांच है। शीशा देखो कितना बढ़िया है शीशा, इसमें रेज आती होगी ना, जब सनलाइट आती होगी तो कितना बढ़िया लगता है। भाई छत की नक्काशी देखो गोल्डन कलर की कितनी ब्यूटीफुल है। भाई ये जीना देखो कितना पुराना लग रहा है, लोहे का, ब्रिटिश टाइम का लग रहा है मुझे तो ये। और यहाँ से व्यू दिख सकता है, आपको दिखाता हूँ थोड़ा। भाई ये है शस्त्र खाना, आर्मरी। आर्मरी इसमें मतलब सारे शस्त्र रखे हुए, औजार, वेपन्स। हाँ पर मुझे लगा खुला रहता होगा, बंद कर रखा है आज शायद थोड़ा, देख लो। तलवारें तो मैंने आपको नीचे भी दिखाई थी थोड़ी, यहाँ पे भी तलवारें हैं बहुत सारी। थोड़ा यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी हम देखो यहीं से एंट्री ली थी म्यूज़ियम के लिए, यही नीचे म्यूज़ियम है सब, और वो पूरा शहर दिख रहा है, जोधपुर शहर है, और वो एक पैलेस और है देखो, ताजमहल जैसा जैसा। वो
देखो वो घंटाघर है, जोधपुर का घंटाघर। वो चीज देख रहे हो वो खुफिया रास्ता, एक नीचे जाने का वो दरवाजा बंद है, रास्ता खुफिया है ऊपर। भाई अब यहाँ से फोर्थ टूर कंटिन्यूज होगा। ये देखो ये एक महल और है, जैसे मैंने कहा था ना शीशों में से कितना बढ़िया आ रहा है कलर ऊपर का, देखो भाई सब चमक रहा है, देखो कितना कलरफुल है सब। भाई ये भी व्यू ही देखने के लिए ही है और कुछ नहीं है। वो देखो वो पार्किंग है, हाँ हमने अपनी कार वहाँ पे खड़ी कर रखी है, और वो खड़ी है देखो वैगनार अपनी, वो खड़ी है ग्रे कलर की। हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो, अभी सब जा रहे हैं और हम सबसे ऊपर खड़े हुए हैं बाकी ये। और देखो वो है ब्लू सिटी, मतलब जोधपुर ज़्यादा अगर वहाँ पे ब्लू कलर के पेंट हुए हुए हैं। मुझे डर लग रहा है कि मेरा फ़ोन नीचे गया, कहाँ जाएगा, और मिलेगा तो है नहीं। ये देखो भाई पहाड़ी इलाका लग रहा होगा, यहाँ पे पहाड़ बहुत है देखो सामने। बैटमैन उधर खड़ा था, बैटमैन उधर ही खड़ा था ना, ब्रूस वेन। और भाई ये दफ्तर हुआ करता था, देखो वो पेन रखे हुए पंख वाले पेन लिखने के लिए। ये देखो ये आ गया मोती महल, मोती जैसे लगे हुए ऊपर झाड़ वगैरह। भाई आगे जाना है, जब वो सीलिंग में देखने पड़ेगा ये बर्ड्स आएगी, देखो ये लगी हुई है, ये होती है स्विफ्ट बर्ड, स्विफ्ट होती है ये। तो ये एक तरह की स्पेशल बर्ड होती है जो कि नेस्ट अपना ऐसा बनाती है, देखो इनका नेस्ट मधुमक्खी के छत्ते ऐसा लग रहा है, ये इस टाइप की बर्ड्स होती है देखो। उस टाइम की कढ़ाइयाँ खाना बनाने के लिए यूज़ हुआ करती थी, कितनी हैवी है, कितनी हैवी है। इसमें कितने इंसान आ जाएंगे, बहुत सारे इंसान आ जाएंगे इसके अंदर, तू तो आराम से आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने सिर्फ हाफ ऑफ फोर्ट कंप्लीट किया है, अभी हाफ और बचा है, पैरों का खचुम्बर बन गया अभी। तो मेहरानगढ़ जो फोर्ट है 1200 एकड़ में फैला हुआ है, यह 122 मीटर अबव, बिल्कुल 122 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। अभी देखो कैसे उड़ पा रही है, बिल्कुल इतनी आसमान में, मतलब ऊंचाई पे ही है वैसे ही फोर्ट। एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राव जोधा इन 1459 सेंचुरी का इतना मजबूत किला अभी तक टिकाऊ। मेहरानगढ़ मतलब द फोर्ट ऑफ सन, सूरज का किला कहते हैं इसे। ये होती थी कैनन्स जो कि वॉर के टाइम यूज हुआ करती थी, दुश्मन आता था सामने से और ये कैनन्स उन पे हथियार यूज हुआ करती। क्या अबे घर देख, अब तो घर बन गए वैसे भी सामने। तो सारा फोर्ट घूम लिया है, अब हम चलते लौट रहे हैं, नीचे की तरफ ही चलते हैं सीधा। तो गए हम लौट, ठीक है। सबसे बढ़िया जगह दे रखी है, मतलब पकड़ के जा सकते हो, फिसलन की जरूरत नहीं है। तो ये थे शहीद भूरे खां, तो उनकी याद में ये बनाई गई है देखो। तो जब ये इसका वर्तमान भवन का निर्माण हो रहा था तो ये मज़ार बीच में आई थी, तो उसी वक्त बेलदार इसको तोड़ने लगे। उसी समय चकिलेदार गोवर्धन को भूरे शहीद सपने में आकर कहा कि हमने अपने मालिक की जान कुर्बान की है, फिर भूरे शहीद की मज़ार तोड़ने की आज्ञा नहीं दी। तो ये जब से यहीं पर है मज़ार। तो भाई ये देख सकते हो आप पूरे किले का मैप है, किसी ने भालू का शिकार किया, स्लॉथ का, भाई स्लॉथ का शिकार करके लेके जा रहे हैं। देखो ये स्लॉथ शिकार कर लिया इसका। ये है देखो हम पूरा किला घूम के आ गए हैं, ऊपर था और ब्रूस वेन इधर ही खड़ा था ना, इधर ही बैटमैन खड़ा हुआ था किले का, उसको उसका पैलेस दिखाया। ये भालू का शिकार करके जा रहे, ये भालू का शिकार हो रहा है। चलिए गाइस मेहरानगढ़ किला घूम लिया है पूरा, क्या क्या चीज़ें देखी होगी आपने, महल देखी होगी, कितने टाइप के महल थे, जैसे कांच महल, शीश महल, और भी बहुत टाइप के महल थे, और म्यूज़ियम दिखाया, म्यूज़ियम के अंदर फिर आपको आर्किटेक्चर दिखाया, आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल था, और ऊपर का व्यू दिखाया, और हिस्ट्री बताई किसके किसका फोर्ट था, कब बना था ये। ये जो ट्रैवलर है ये मस्त चल गई फोर्स कंपनी की, हाँ और ऐसा लग रहा है बिल्कुल फॉरेन का लुक दिया। तो ये अपनी अब पार्किंग में आ गए है भाई, ये थोड़ा जोधपुर शहर का अंदर से, और अभी हम जा रहे हैं उम्मेद भवन। तो
गाइस अभी हम उम्मीद भवन आए जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस है और यहाँ के रेजिडेंस की 1 लाख से ऊपर की रहने का प्राइस है 1-1 लाख से ऊपर। भाई ये फिर से म्यूजियम है देखो, तो ये हम चल रहे हैं पैलेस के अंदर और ये ज्वेलरीज के प्राइस ज़्यादा ही हो गए शायद, नहीं 5,750। तो यहाँ पे है वो लेपर्ड्स के शिकार, वो यहाँ पे शिकार भी हुआ करते थे लेपर्ड्स के, तो उस टाइप के स्टैचू बनाया गया है देखो, वो अलग किया था शिकार लेपर्ड का उन्होंने। बाकी ये रॉयल फैमिली है राजस्थान की, ये है पीछे जाने का रास्ता, इसको दबाएंगे एक ऐसे दरवाजा टर्न होगा। ये देखो ये लैंप्स हुआ करते थे, हवा में नहीं बैठे भाई, ये नेट है दिख नहीं रही इसमें। ये भाई ये पूरा पैलेस का आर्किटेक्चर देख सकते हो, इधर एक सिनेमा हॉल भी है, ये सिनेमा हॉल है, ये मेन सेंट्रल हॉल है और यहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती है कुछ लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की। यहाँ ने पूरा म्यूजियम दिखा दिया है आपको भाई, देखो वो है होटल एरिया, अभी वहाँ पे कोई बग्गी में बैठा हुआ है जो रुका हुआ है, ये होटल में रुके हुए कमरे है, बेसिकली एक प्राइवेट रेजिडेंस है और होटल टाइप है ये देख लो आप। जो आप बता दूं यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी हुई थी, शादी वाला एरिया वहाँ पे परमिशन नहीं जाने की, वो प्राइवेट एरिया में आता है। भैया पानी ही पी लेते हैं फ्री वाला। तो यहाँ पे विंटेज कार डिस्प्ले दिखाते हैं, विंटेज कार्स देखते हैं। दिख तो है नहीं रहे सही से विंटेज कार्स, कैडिलैक पीछे गैराज के पीछे दरवाजा दे रखा है निकल जाती है। तो भाई ये पूरा व्यू देख लो, ये है पैलेस उबेद पैलेस, ये और देख लो भाई रोल्स रॉयस कितनी विंटेज कार इसकी। फाइनली उबेद पैलेस से हुआ है। तो गाइस अब हम जोधपुर से निकल गए हैं और जा रहे हैं बाड़मेर के रास्ते, बाकी सनसेट हो रहा है देखो। तो भाई बाड़मेर के रास्ते जा रहे हैं और देख सकते हो क्या हाल हो गया, फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो रही है, तो मैं होटल पे रखूँगा पहले, इसको चार्ज कर लूँगा, खाना भी खा लूँगा फिर। तो भाई ये होती है राजस्थान की थाली, देखो इसमें सब्जी है राजस्थानी का नाम नहीं पता मुझे, मैंने थाली निकाली देखो। तो भाई ये थाली होती है अनलिमिटेड थाली और देखो इसमें चटनी है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड दही है, अनलिमिटेड सब्जी है रायता और सब्जियों के नाम नहीं पता भाई, ये राजस्थानी सब्जी है। तो गाइस जस्ट राजस्थानी खाना खा लिया है, पहली बार खाना खाया है, मतलब जो खाना खाया है ना इस पेड़ पर उगता है, इस पेड़ की सब्जी खाइए देखो ये उग रहा है। बाड़मेर जाना है हमें, रात हो गई, देखते कब पहुँचेंगे, फोन वोन चार्ज कर लिया सब। टोल पे भी देखो कितना सन्नाटा हो रहा है। तो भाई अभी हमने पेट्रोल डलवाया, सामने से ही ये गाड़ी खड़ी हुई है, रोड बिल्कुल ही अंधेरा, 8 बजे ही ऐसा माहौल हो जाता है भाई, रात सुनसान, सड़कें सुनसान सब। अब बाड़मेर जल्दी से पहुँचते हैं। भाई कोई शहर आया है, पता नहीं नाम नहीं पता, पर बहुत लाइट जल रही है देखो, कितनी लाइट जल रही है। तो गाइस फाइनली बाड़मेर टोल आ चुका है, नाम देखो कितने बड़े बड़े होते हैं गाँव के यहाँ पे, और अभी मुझे पता नहीं बिल्कुल ही सन्नाटे में चल रहे हैं, बगल में झाड़ियाँ जंगल है और गाड़ियाँ एक दो दिखेगी बस। और अभी तो भाई मुझे कोई काला सा जानवर सा दिखा था बिल्कुल, उसकी आंखें दिखी भाग आई कम से कार के सामने। पेट्रोल पंप भी देखो कितना सुनसान पड़ा है पेट्रोल पंप पे। तो गाइस फाइनली बाड़मेर आ गए, ये कुछ नज़ारा रात का बाड़मेर का। तो गाइस बाड़मेर का रूम है ये अपना और आज की रात हम इधर काटेंगे, बहुत ही अच्छा रूम मिल गया हमें बाई चांस। और अब रात को ही पहुँचे, आपको आपने देखा होगा कितना खतरनाक रास्ता होता है राजस्थान, वैसे ही कुछ कह नहीं सकते, आधी रात को बिल्कुल आधी रात नहीं हुई थी बल्कि 9 बजे करीब इतना सन्नाटा। गाइस होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, आपको जर्नी पसंद आई होगी, आगरा से फतेहपुर सीकरी वाया अजमेर वाया जोधपुर वाया बाड़मेर, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम पहुँच जाएंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर के ब्लॉग्स बड़े आएंगे मज़ेदार, 3-4 ब्लॉग्स आएंगे उसके, तो जब तक वेट करिए और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, अब मैं जाऊँगा सोने, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।